बिजनौर शहर के गांव कंभौर में भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज अराजनीतिक टीम बिजनौर से जुड़ी सुजाता कौशिक और मोनिका राणा की ओर से एक महिला चौपाल आयोजित हुई, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिला चौपाल में पहुंची संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु राणा, टीम प्रबंधक हरविंद्र राणा, जिलाध्यक्ष बिजनौर निशी चौधरी का फूलमाला और ढोल नगाड़ों की थाप से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बिजनौर निवासी समाज सेविका सुजाता कौशिक को जिला महासचिव बिजनौर और मोनिका राणा को ग्राम अध्यक्ष कंबौर मनोनीत किया। इनके अलावा रचना राठी, मुस्कान खान, अनीता डोडवाल, अपर्णा शर्मा, रोशी राणा, हेमलता देवी, मेनका तोमर, रीना देवी, भूमिका चौधरी, संगीता देवी, कमलेश राणा, बबीता रानी, डॉक्टर निदा अली, डॉक्टर फातिमा को संगठन में शामिल किया गया। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु राणा, प्रबंधक हरविंद्र राणा और जिलाध्यक्ष निशी चौधरी ने उपस्थित महिलाओं से संगठन को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया। सुजाता कौशिक ने महिलाओं से जागरूक रहने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने व अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाकर नारी शक्ति का परिचय देने की सलाह दी। इस मौके पर रेखा चौधरी, सोनू चौधरी, सीमा चौधरी आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। देखिए बिजनौर एक्सप्रेस पर शाही अराफात की यह रिपोर्ट। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज की शुरुआत हमने जिले बिजनौर से की है और जो आज वर्तमान में महिलाओं की समस्याएं हैं, घरेलू हिंसा है, परिवारों में जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, इन सभी को लेके हमें लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई पॉजिटिव पहल करनी चाहिए, तो उसी की हमने शुरुआत की। शुरुआत में बहुत कम सदस्य इससे जुड़े हुए थे, लेकिन आज पूरे देश से इससे टीम जुड़ रही है और आज अगर हम बात करें तो 50,000 से ऊपर की संख्या हमारे साथ टीम से जुड़ चुकी है। थैंक यू सर। और ये हम रेणु मैम, राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष, चलिए मैं एडिट कर दूंगी। जी मैम, आप कैसे काम कर रही हैं और इसमें जो महिलाएं हैं उनका क्या फायदा है? महिलाओं का देखिए बहुत फायदा है और ये संगठन पूरे देश में ही है और महिलाएं इससे जुड़ भी रही हैं और महिलाएं अपने आगे उसको जोड़ भी रही हैं, तो इससे महिलाओं के बहुत फायदे हैं। जैसे घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़े, हम इन्हें ही लेकर चले कि महिलाएं खुद अपना न्याय कर सकें। और यह है निशी मैम जो कि जिला अध्यक्ष हैं, तो आप मैम कैसे काम कर रही हैं इसमें? हमारी बिजनौर में जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, हर गांव में हमारी मीटिंग्स हैं और हर ब्लॉक को हम बहुत मजबूत बना रहे हैं ताकि वह हर महिला को जागरूक किया जाए और उनके टूटते हुए रिश्तों को बचाया जाए। तो बेसिकली आप महिलाओं के जो टूटते हुए रिश्ते हैं उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये है सुजाता मैम। तो सुजाता मैम, आज आपको जैसे कि नियुक्त किया गया है इस महिला महाशक्ति स्वराज में, तो आप इसके लिए कैसे आगे महिलाओं को जोड़ेंगी और कैसे आप इसमें काम करेंगी? देखिए हमारा जो संगठन है वो महिलाओं को सशक्त करना तथा उनके परिवार में जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको रोकना और साथ ही साथ महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाना और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी बेटियों की सुरक्षा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा। हमारी टीम, हमारा संगठन सब मिलकर के हम यही चाहते हैं कि इस संगठन को जितना प्रसार इसका किया जाए उतना हो, जिससे कि हमारी आज की बेटी सशक्त हो और अपने अधिकार समझे और खुद की सुरक्षा। अच्छा, तो सर इसमें आपसे महिलाएं हैं जो भी हैं जो जुड़ना चाहें वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं? वो फेसबुक के माध्यम से हमारे से जुड़ सकती हैं, फेसबुक पेज भी है संगठन का भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज के नाम से, और मोबाइल नंबर हमारे आपको स्क्रीन पे नीचे मिल जाएंगे, तो उनसे आप टीम से जुड़ सकते हैं। पूरे देश में ही टीम काम कर रही है, तो आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टीम से जोड़िए। धन्यवाद। पड़ेगा अब वो शादी उम्र में हुई उसके 22-23-24 साल की, अब कितने साल उसे उसी के साथ रहना पड़ेगा। शराबी है, मारेगा पीटेगा, कुछ खर्चा नहीं देगा, ढंग से नहीं रहते हुए मिली थी हमें बेचारी लेडी, ठीक, फिर भी वो उसी के साथ रहना पड़ेगा। कि कहीं ऐसा ग्रंथ में लिखा है क्या? लिखा है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो आप खुद को चेंज करो ना, खुद में परिवर्तन लाओ। उन्होंने कहा
का, तो ऐसे बनो, बनाओ सक्षम और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दो। और बेटियों को तो दो ही दो, बेटों को खास करके अच्छी शिक्षा दो। उनसे भी पूछो कि तू 6 बजे आ रहा, कहां गया था, कहां से आ रहा है, क्योंकि आज की डेट में देश को खोखला बेटियों ने नहीं बेटों ने रखा है, क्योंकि वो नशे में पड़े हैं और ऐसा नशा करते हैं कि वो खुद तो खोखले नहीं, साथ में जो उनके साथ के लड़के उन्हें भी खोखला कर रहे हैं। तो परिवर्तन की जरूरत बेटियों को है या बेटों को? बेटों को। किसको है? आवाज नहीं आई। बेटों को है ना? तो आज से बेटियों को रोको, मैं ये नहीं कह रही मत रोको, लेकिन लगाम दोनों पे कसो, अगर कसनी है तो एक को दबाओ मत, क्योंकि बेटी पक्ष हमेशा झुकता आया है और बेटी वाला कभी भी कमजोर नहीं होता, ये याद रखना। जिसने अपनी बेटी का दान दे दिया ना, उसकी मैं कहती हूँ 2100 पीढ़ी तर जाती है। तो बेटी का दान देना ही इतना बड़ा तो पुण्य है कि बेटा वाला क्या देता है, क्या देता है बेटा वाला? कुछ देता है? दूसरे की बेटी लाता है, दूसरे की बेटी अपना घर छोड़ के आती है, वो वहां इतने नाज उसके माँ बाप उठाते हैं, इतने अपने घर में कितनी फ्री होकर रहती है, दूसरे के घर में आके क्या हो जाती है, ये बेचारी चूल्हे में बैठी तब भी रोटी बना रही पल्ला ढक के, क्यों है ये सब चीजें? अरे जब आप अपनी बेटियों के लिए नहीं चाहते, अभी सर मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगी, अगर किसी की बेटी ससुराल में परेशान है, ओहो बड़े हरामी ससुराल वाले, बड़ा परेशान कराया मैंने लौंडिया को, और खुद अपनी बहू को परेशान लगते हैं तो कुछ नहीं, ओ मेरी बेटी को ये नहीं पहनने देते, मेरी बेटी को ये नहीं, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो यही सब कर रहे हो ना, तो जैसा खुद के लिए चाहते हो वैसा खुद के लिए पाओ। एक गाना है, जो होएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, है ना? तो जो आप दोगे वही पाओगे, हमेशा ध्यान रखना। आप सत्संगों में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं सिखाएगा, सब ये कहेंगे 10 रुपए की पर्ची बनाओ, आओ आओ, ये कोई कुछ बाबा देने वाला नहीं है आपको, सिर्फ अंधविश्वास है। कोई किसी के अगर टाटा अंबानी है ना, तांत्रिक अगर विद्या करवानी होती लोग उन पर भी करवा लेते, मोदी जी है उन पर भी करवा लेते कांग्रेस वाले, है ना? समाजवाद वाली, आज समाजवादी में बैठा होता है यूपी में मुख्यमंत्री होता है योगी जी को उतरवा देता। तो ये तंत्र मंत्र विद्या और अंधविश्वास ये कुछ नहीं है कि वो मेरी सास मेरे काबू में आ जाए, बहू मेरे काबू में आ जाए, पति मेरे काबू में आ जाए, ये सब गलत है। आप इससे कुछ नहीं हासिल कर सकते, सिर्फ अपने नुकसान है, वो सिर्फ अपनी जेबें बना रहे हैं, सिर्फ पैसा बना रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने घर में परिवर्तन करना है, आज से ही करना है, अभी से ही करना है, जो चीजें थी उनको चेंज करो और एक परिवर्तन जीवन का नया मूल मंत्र है, बढ़ते चलो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बस। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटो मोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा, डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें, कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।